So our next session हमारे अगले वक्ता is going to be taken by somebody very dear to me, to all of us. उनके द्वारा लिया जाएगा जो हमारे सबसे चहेते हैं. Pastor Sam Matthews. Small thing about Pastor Sam. उनके बारे में एक बात है. I knew Pastor Sam when he was just Sam for me. हम Pastor Sam को तब से जानते हैं जब वो Pastor नहीं थे, जब वो बस Sam थे. So now he's become a pastor. और अभी वो एक पास्टर बन चुके हैं. So what does that mean for us young people? तो हमारे लिए ये क्या उम्मीद दिलाता है? It means that Pastor Sam has gone to that next level. इसका अर्थ है कि उन्होंने एक और लेवल ऊपर चले गए हैं. So if any of us want to get to that next level, हम अगर एक और ऊपर लेवल की तरफ जाना चाहते हैं, please stay back, talk to Pastor Sam. He'll give you some tips and tricks. बाद में रुकना और उनसे बात करना, उनसे कुछ टिप्पणी लेना. All right. ठीक है. Join us in welcoming Pastor Sam Matthews. Pastor Sam का स्वागत करते हैं और Pastor James का भी. And Pastor James. All right. Good morning. ठीक है सुप्रभात. Are you excited? क्या आप सभी उत्साहित हो? Give me a thumbs up if you're excited. उत्साहित हो तो अपना अंगूठा दिखाइए. Are you excited to hear the word? परमेश्वर का वचन सुनने तैयार हो? उत्साहित हो? Yes. हाँ. You know, one of my favorite sights in the whole world is when young people come together to worship Jesus. और मेरे लिए पूरे विश्व भर में सबसे सुंदर दृश्य वो होता है कि जब जो नौजवान लोग इकट्ठा होते हैं यीशु की आराधना करने के लिए. It brings so much joy to my heart. और उससे मेरे हृदय को कितना आनंद मिलता है. When young people are passionately worshiping for Jesus. और जब जो नवजवान है वे लोग यीशु मसीह के लिए पूरे जोश के उत्साह के साथ उसकी आराधना कर रहे होते हैं. So it's really such a joy and a privilege for me to share the word today. और सच में मेरा ये आनंद है और सौभाग्य की बात है कि मैं आपके सामने वचन ले आ सकूं. And this message has been brewing on my heart. और ये संदेश मेरे हृदय पर रहा है कुछ समय से. I pray that you would give me your attention. और मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप अपना पूरा ध्यान मेरी ओर लगाएं. As we learn from God's word. जैसे हम मिलकर परमेश्वर के वचन से सीखने वाले हैं. So in this session. तो इस सत्र में. I want you to turn to your neighbor. मैं चाहूँगा कि आप अपने पड़ोसी से कहें. And tell them I am made for legacy. उनसे कहें कि मैं विरासत छोड़ जाने के लिए बनाया गया हूँ. Turn to your other neighbor. Turn to your other neighbor. अपने दूसरे पड़ोसी के पास बुड़े. And tell them we are made for legacy. और बोलिए कि हम बनाए गए हैं विरासत छोड़ने के लिए. Now the word legacy. और ये शब्द विरासत है. In simple terms. सरल शब्दों में. A lot of complicated meanings, but in simple terms. उसके बहुत ही उलझाने वाले अर्थ हैं, लेकिन सरल अर्थ ये हैं. Is to receive an inheritance. कि एक विरासत को पाना. Walk faithfully. उसमें विश्वास रूप से चलना. And pass it on to the next generation. फिर अगली पीढ़ी के हाथ में सौंपना. Again, what? Receive an inheritance. एक विरासत को पाना. Walk faithfully with that. उसके साथ विश्वास रूप से चलना. And then pass it on to the next. और फिर अगले पीढ़ी को दे सौंप देना. Now, in order for us to understand this visually. और इसे जो है आंखों से देखते हुए समझने के लिए. One of my favorite sports in the Olympics. और यदि हम उदाहरण के रूप में मेरा मन पसंदीदा जो खेल है ओलंपिक्स में. Which happens once in 4 years. जो 4 साल में एक बार होता है. Is the relay race. और वो है रिले की दौड़. So I'm going to ask 2 of my friends. और मैं चाहूंगा मेरे दो दोस्त जो हैं. निर्मल और एलन. To illustrate this. वे हमें दिखाएंगे इसे करके. So Alan will be in the center. एलन बीच में रहेंगे. एंड निर्मल इज होल्डिंग द बैटन. और निर्मल के हाथों में जो बैटन है. एंड हियर्स हाउ द इलस्ट्रेशन गोज. और इस तरह से दिखाया जा रहा है उदाहरण. ओके दैट वाज टू क्विक. लेट्स डू इट इन स्लो मोशन. वो बहुत जल्दी हो गया. थोड़ा सा स्लो मोशन में जाकर दिखा. सो निर्मल इज होल्डिंग द बैटन. तो निर्मल वहां पर बैटन पकड़े हुए हैं. नाउ इन स्लो मोशन. बड़े धीमी गति. He's running. Okay, freeze. रुको. Yeah, right there. So what happened? क्या हुआ यहाँ पर? Nirmal was holding the baton. निर्मल के हाथ में बैटन था. And he is now running with it. अब वो उसे लेकर दौड़ रहा है. And he is now passing it on to Alan. अब वो Alan के हाथ में उसे दे रहा है. In an essence, that is what legacy is all about. और सरल रीति से यही है विरासत. इसी के बारे में ऐसा ही है. निर्मल carrying an inheritance. निर्मल एक विरासत को लिए हुए चल रहा है.
running with it faithfully uske sath vishwas roop se daud raha hai and then passing it on aur fir aage sop raha hai uske haathon mein one more thing ek aur baat he is responsible to carry it faithfully and pass it on aur wo zimmedar hai ki usi zimmedari se uthakar daudna hai aur fir aage sopna hai aage wale ko Alan is responsible to receive it aur Alan ki zimmedari hai ki usne use swikarna hai jab diya ja raha hai to amen thank you guys give it up for Nirmal and Alan taaliyan bajao unke liye zoron se and this is what we see in the bible aur yahi baat hame dikhai deti hai pavitra shastra mein that our god is a god of generations ki hamara parmeshwar pidiyon ka parmeshwar hai he passes on his inheritance from one generation to the next aur wo uski virasat ko jo ek peedi se lekar dusri peedi ke paas mein saupta hai we see this in the life of abraham hum ise abraham ke jeevan mein dekhte hain in genesis chapter 18 verse 19 utpatti ka 18va adhyay aur 19ve vachan mein god says for I have known him aur parmeshwar kehta ki maine use jana hai what does god know about abraham parmeshwar abraham ke bare mein kya janta hai that he may command his children and his household ki wo apne bachchon ko aur apne gharane ko ye aagya de this is what god knows about abraham parmeshwar ye baat janta hai abraham ke bare mein that I can give him my command ki main usse meri aagyaye de sakta hu he will be faithful to pass it on aur wo vishwas roop se un aagyaon ko aage saupega to his children apne bachchon ke haathon mein and to his household aur uske gharane ke paas that is abraham aur ye abraham hai which is why I believe god has called him the father of our faith aur isliye mera manna hai ki parmeshwar ne use vishwas ka pita karke bulaya hai because he counted him faithful kyunki usne vishwas karke usi ki ginti ki to give him the inheritance ki use apna virasat diya to give him his command ki uski aagyaye use di and he will be faithful aur wo vishwas yogya rahega to pass it on jisse wo aage saupne ke liye that is our god ye hamara parmeshwar hai and in exodus chapter 3 verse 6 aur nirgaman ka teesra vadya chhatwa vachan when god is meeting moses jab parmeshwar musa se mulaqat kar raha look at how god introduces himself dekho parmeshwar kis tarah se apna parichay de raha hai he tells to moses wo musa se kehta hai I am the god of abraham wo kehta hai main abraham ka parmeshwar hu I am the god of isaac main isaac ka parmeshwar hu and I am the god of jacob aur main yaqub ka परमेश्वर हूं ही डजंट स्टॉप एट अब्राहम और परमेश्वर अब्राहम पे ही नहीं रुक जाता ही सेज आई एम द गॉड ऑफ अब्राहम वो कहता मैं अब्राहम का परमेश्वर हूं आई एम द गॉड ऑफ आइजक मैं इसहाक का परमेश्वर हूं एंड आई एम द गॉड ऑफ जेकब और मैं याकूब का परमेश्वर हूं दैट इज हाउ गॉड इंट्रोड्यूसेस हिमसेल्फ टू मोसेस और इस तरह से परमेश्वर अपना परिचय देता है मूसा के सामने ही इज द गॉड ऑफ जनरेशंस वो पीढ़ियों का परमेश्वर है ही वांट्स टू पास ऑन हिज कमांड एंड हिज इनहेरिटेंस फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट वो अपनी आज्ञाएं और जो अपनी विरासत है वो एक पीढ़ी से लेकर दूसरी पीढ़ी के हाथ में सौंपता रहना चाहता है एंड दिस इज व्हाट गॉड इंस्ट्रक्ट्स द पीपल ऑफ इज़राइल और यही बात जो परमेश्वर है इज़राइल के लोगों को निर्देशित करता है इन ड्यूटरोनमी चैप्टर 6 वर्स 6 एंड 7 और व्यवस्था विवरण का छठवां अध्याय 6 और 7 वचन इट सेज एंड दीज वर्ड्स और वहां कहा गया और ये शब्द जो है दिस इज माई वर्ड्स ये शब्द मेरे शब्द दिस इज गॉड्स वर्ड ये परमेश्वर के शब्द है विच आई कमांड टू यू टूडे और जिसके बारे में मैं तुम्हें आज्ञा दे रहा हूँ आज इट शैल बी इन योर हार्ट ये तुम्हारे हृदय में रहेगा बट यू शैल टीच देम डिलिजेंटली परंतु तुम पूरे लगन के साथ में उसे सिखाओगे सो इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ये हमारी जिम्मेदारी है गॉड हैज गिवन अस हिज वर्ड परमेश्वर ने उसका शब्द हमें दिया है गॉड हैज गिवन अस हिज कमांड परमेश्वर ने उसकी आज्ञाएं हमें दी है But he tells the people of Israel. लेकिन इस्राएल के लोगों से कहता है. It will be on your heart today. कि वो आज तुम्हारे हृदय में होगा वो. But you have to diligently teach them. लेकिन उसे लगन के साथ में अपने बच्चों को सिखाना है. Amen. Amen. That is the God we serve. ये ऐसे परमेश्वर है जिसकी हम सेवा कर रहे हैं. In fact, one of the covenants that God makes. और वैसे देखिए तो एक परमेश्वर जो वाचा बनाता है. In Isaiah chapter 59 verse 21. यशायाह का 59वां अध्याय और 21वां वचन. He says, "This is my covenant with them." और कहता है ये मेरी वाचा है उनके संग. My spirit who is upon you. और मेरी आत्मा जो तुम पर है. And my words which I have put in your mouth. और मेरे शब्द जिन्हें मैंने तुम्हारे मुखों में डाला है. Shall not depart from your mouth. वो तुम्हारे मुख से निकलकर नहीं जाएगी. Nor from the mouths of your descendants. और ना ही तुम्हारे पीढ़ियों के मुखों से निकल जाएगी.
We have the word of God. हमारे पास परमेश्वर का शब्द है. It's in our heart. वो हमारे हृदयों में है. It's in our mouth. वो हमारे मुखों में है. We have to declare it. हमने उसकी घोषणा करनी है. We have to declare it today. उसे आज घोषणा करनी है. But we also have to declare it to the ages to come. लेकिन आने वाले कालावधि में भी काल में भी हमने उसकी घोषणा जारी रखना है. That is the God we serve. ये ऐसा परमेश्वर है जिसकी हम सेवा कर रहे हैं. He is the God of generations. वो पीढ़ियों का परमेश्वर है. So we see a lot of patterns in the Bible. और हम देखते हैं कि पवित्र शास्त्र में बहुत से ऐसे उदाहरण नमूने हैं. We just spoke about Abraham, Isaac and Jacob. और अभी में हमने अब्राहम, इसहाक और याकूब के बारे में सुना. We see Moses and Joshua. हम देखते हैं मूसा और यहोशू. We see Elijah and Elisha. हम देखते हैं एलिया और एलिशा. Where God is faithfully entrusting his commands and they are faithfully passing it on. और जहां पर परमेश्वर बड़े विश्वास रूप से उनके हाथों में उसकी आज्ञाओं को सौंप रहा है और वो उन्हें विश्वास रूप से अगली पीढ़ी के हाथ में सौंप रहे हैं. In the New Testament, नए नियम में, we see a classic example of Paul and Timothy. और हम पौलुस और तिमोथियुस के बहुत ही बेहतरीन उदाहरण देखते हैं. What is very interesting is how Paul recognizes the gift that is in Timothy. और बड़ी दिलचस्प बात यह है कि किस तरह से पौलुस तिमोथियुस के भी अंदर जो वरदान है उसे पहचानता है. In 2 Timothy chapter 1, दूसरे तिमोथियुस का पहला अध्याय, he says, I have seen the genuine faith of Timothy. और वो कहता है कि मैंने तिमोथियुस के अंदर जो सच्चा विश्वास है उसे देखा. But then he says, which was first in his grandmother Lois. और फिर बाद में कहता है जो उसके पहले नानी में हुआ करती थी लोइस में. I have recognized it. मैंने उसे पहचाना है. I have seen it. मैंने उसे देखा है. It's a genuine faith. और ये असली सच्चा विश्वास है. But he says, I have first seen it in his grandmother Lois. और लेकिन वो कहता है ऐसा विश्वास मैंने पहले देखा था उसकी नानी लोइस में. And then his mother Eunice. और फिर उसकी माँ यूनिस में. That is how God works. और ये परमेश्वर हमारा ऐसे काम करता है. He is the God of generations. वो पीढ़ियों का परमेश्वर है. In the book of 1 Timothy, पहले तिमोथियुस की किताब में, he's talking about Timothy as a true son of the faith. और वहाँ पर तिमोथियुस के बारे में बात कर रहा है कि विश्वास का सच्चा बेटा है वो. So we see that in the natural we have to steward our family, our natural family. और हम देखते हैं स्वाभाविक जो हमारे जीवन में हम देखते हैं साधारण हमने अपने परिवार को जो पालन पोषण करना है. But there's something happening in the spiritual realm. लेकिन आत्मिक स्तर में भी कुछ तो हो रहा होता है. God passes his inheritance from one generation to the next. जब परमेश्वर अपनी जो विरासत को एक पीढ़ी से लेकर दूसरे पीढ़ी के हाथों में सौंप रहा होता है. Paul writes in 1 Corinthians chapter 10. पौलुस लिखता है पहले कुरिन्थियों के 10वें अध्याय में, verse 1, पहले वचन में, that we do not be negligible or forget our forefathers. कि हमारे जो पूर्वज थे हम उसके बारे में नजरअंदाज नहीं करना है ना ही उन्हें भूल जाना है. Why are we reading about so many characters in this camp? और इस कैंप में हम क्यों इन अलग अलग जो व्यक्ति जो प्रसिद्ध सेवक थे मिशन थे उनके बारे में सुन रहे हैं. We heard about so many characters. और कितने ऐसे लोगों के बारे में हमने सुना है. From the Bible. शास्त्र में से. And in the world after the Bible times. और शास्त्र के काल के बाद में जो दुनिया में जो सेवा की उन्होंने. Why? क्यों? Paul is giving an answer. पौलुस यहाँ पर उत्तर दे रहा है. First Corinthians chapter 10 verse 1. पहले कुरिन्थियों का 10वां अध्याय पहला वचन. I don't want you to be ignorant or negligent of our forefathers. और मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम्हारे पूर्वजों के बारे में तुम नजरअंदाज करो या उसे लापरवाही से भूल जाओ. And then in verse 11 he says they serve as examples. और फिर 11वां वचन में कहा कि उन्होंने सेवा की एक उदाहरण के रूप में. Wow. And that is why we are studying about so many characters in the Bible. Wow, इसलिए हम शास्त्र में से ऐसे सेवकों की अभ्यास कर रहे हैं इन दिनों में. And in this session, और इस सत्र में भी, we are going to look at an example in the Bible. और शास्त्र में के उदाहरण को हम देखने वाले हैं. And we are going to look at the life of Joshua. और हम यहोशू के जीवन की ओर देखने वाले हैं. How Joshua carried the inheritance that was given to him. और किस तरह से यहोशू ने उस विरासत को उठाकर चलता रहा जो उसे दिया गया था. Now, for better understanding. Before we get to Joshua, और बेहतर समझ के लिए यहोशू के पास जाने से पहले, if there was in the Bible a testimony that can give an account of Moses, और ये शास्त्र में कोई ऐसी गवाही होती जिससे मूसा के बारे में उसके जीवन के बारे में दर्शाया जाता, because before Joshua came there was Moses, क्योंकि यहोशू के आने से पहले मूसा था, if there was one place in the Bible where I can go where the Bible says this is the testimony of Moses, और यदि कोई एक जगह में जहाँ पर जाता मैं शास्त्र में और जहाँ पर कहा जाता हो कि ये मूसा की गवाही है. He gives it, the Bible says in Deuteronomy chapter 34 verse 10 to 12. और यहाँ पर व्यवस्था विवरण का 34वां अध्याय और 10 से 12 वचन में दिया गया है. Yeah, if you can read it. Deuteronomy chapter 34 verse 10 to 12. व्यवस्था विवरण 34वां अध्याय 10 से 12 वचन तक.
और मूसा के तुल्य इसराइल में ऐसा कोई नबी नहीं उठा जिससे यहोवा ने आमने सामने बात की और उसको यहोवा ने फिरौन और उसके सब कर्मचारियों के सामने और उसके सारे देश में सब चिन्ह और चमत्कार करने को भेजा था और उसने सारे इसराइलों की दृष्टि में बलवंत हाथ और बड़े भय के काम कर दिखाए हैं। Wow, what a testimony! Wow, कितना बढ़िया गवाही है। There has never been another prophet like Moses. और मूसा के समान ऐसा पहले कोई नबी न था। In Israel. इसराइल में। Whom the Lord knew face to face. जिसे परमेश्वर आमने सामने जानता था। He set him out to do signs and wonders. उसने उसे चिन्ह चमत्कार करने के लिए भेजा। To deliver the people of Israel. इस्राएल के लोगों को छुड़ाने के लिए। This is the Moses we are talking about. और यही मूसा है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। Now in Deuteronomy chapter 34, he is passing away. और यहाँ पर व्यवस्था विवरण के 34वें अध्याय में अब उसकी मृत्यु होने वाली है। Can you imagine the scene? और आप उस दृश्य के बारे में कल्पना कर सकते हो? When one of the greatest prophets of Israel passes away. कि इस्राएल का एक महान जो नबी है उसकी मृत्यु हो रही है। The people of Israel are mourning. और जो इस्राएल के लोग हैं वो उदास है, शोकित हैं। And now it is time for Joshua. और अब समय वक्त आ गया है यहोशू के लिए। So we want to look at the life of Joshua. तो हम यहोशू के जीवन की ओर देखना चाहते हैं। And we want to see how God moves in his life. और हम देखना चाहते हैं कि किस तरह से परमेश्वर उसके जीवन में काम करता है। Because the scene is that one of the greatest prophets in the Old Testament has just passed away. क्योंकि वहाँ पर दृश्य ऐसा है कि पुराने नियम के महान नबियों में से एक बहुत ही बड़ा महान जो है मूसा जो उसकी मृत्यु हो चुकी है। The people are mourning. और जो लोग वहाँ पर रो रहे हैं, शोक मना रहे हैं। The people of Israel are mourning about his passing away. और उसकी मृत्यु होने के कारण इसराइल के लोग उदास से दुखी हैं। Where can we go from here? कि अब यहाँ से हम आगे कहाँ जाएंगे? Without Moses, where can we go? मूसा के बिना हम कहाँ जाएंगे? So we're going to look at how Joshua lived and served from the time of Moses. किस तरह से मूसा ने अपना जीवन जिया और सेवा की मूसा के बाद। The first thing I want to observe. और पहली बात जिसकी ओर ध्यान लाना चाहता हूँ। This is the first point. I have 5 points. मेरे पास 5 मुद्दे, ये पहला मुद्दा है। The first thing is Joshua served faithfully and patiently. और पहली बात है कि यहोशू ने विश्वास योग्य रूप से और धीरजवान रूप से सेवा की। You see, Joshua spent about 20 years in Egypt. और हम देखते हैं कि यहोशू ने मिस्र देश में 20 साल बिताया। 40 years in the wilderness with Moses. और मूसा के साथ में 40 साल उस रेगिस्तान में। And then 50 years in the promised land. और फिर वाचा के देश में 50 साल बिताए। God used the first 60 years of Joshua's life for him to serve. और परमेश्वर ने यहोशू के जीवन के शुरुआती 60 सालों का इस्तेमाल किया सेवा करने के लिए। And Joshua served faithfully. और यहोशू ने विश्वास रूप से सेवा की। When Moses was alive. और जब मूसा जिंदा था। Before Joshua could even lead. और यहोशू अगुवाई कर पाने से पहले। He served Moses. वो मूसा की सेवा किया। He observed him. वो मूसा को देखता। He was close to him. वो मूसा के करीब था। And then Moses actually sees this. और मूसा इस बात को देखता है। In Exodus, Joshua he gave Joshua the responsibility to form an army to defeat the Amalekites. और निर्गमन में हम देखते हैं कि मूसा ने यहोशू को जिम्मेदारी दी कि वो एक सेना को इकट्ठा करे और अमलेकियों पर हमला करे। In Numbers chapter 14, when the whole camp was grumbling. और गिनती के 14वें अध्याय में जब संपूर्ण छावनी में लोग जो थे वो कुड़कुड़ा रहे थे। There was a Joshua and a Caleb. और वहाँ पर एक यहोशू और एक कालिब था। That said, we can inherit the land. और उन्होंने कहा हम जाके उस वाचा के देश को ले सकते हैं। Joshua served faithfully. और यहोशू ने विश्वास योग्य रूप से सेवा की। And patiently. और धीरजवान रूप से। Which tells me. जो मुझे बताती है। That there is a time for everything. कि सभी बातों के लिए एक समय होता है। There is a time for preparation. एक तैयारी करने का समय होता And है। And as you are preparing. और जब आप तैयारी कर रहे होते हो। You need to be faithful. आपने विश्वास योग्य बने रहना है। Are there some faithful people here today? क्या यहाँ पर कोई कुछ विश्वास या विश्वास योग्य लोग हैं? Not just faithful. सिर्फ विश्वास योग्य ही नहीं। But patiently. लेकिन धीरजवान रूप से भी रहने There is a generation that is coming. एक ऐसी पीढ़ी आ रही है। But he recognized that I have to serve faithfully. लेकिन उसने पहचाना कि उसने विश्वास योग्य रूप से सेवा करते रहना है। Today under Moses I will serve faithfully. और आज मैं मूसा के नीचे विश्वास रूप से सेवा करूंगा। Amen. Amen. Are there some faithful people here today? क्या यहाँ पर कोई विश्वास लोग हैं यहाँ पे? Can I see your hands? क्या मैं आपका हाथ देख सकता हूँ? विश्वास योग्य लोग हो आप? That will serve God faithfully.
जो परमेश्वर की सेवा करेंगे विश्वास योग्य रूप से एंड पेशेंटली और धीरजवान रूप से. लॉट ऑफ अस यंग पीपल वांट टू जंप और हमें से कई नौजवान जो है सिर्फ छलांग लगाना चाहते हैं. जंप टू क्विकली बहुत जल्दबाजी में. ओ गॉड इज टेकिंग टू मच टाइम. ओ परमेश्वर ज्यादा वक्त लग रहा है. बट Recognize the times and seasons. परंतु समय और मौसमों को पहचानो. There is a time coming. एक समय आ रहा है. God is preparing you. परमेश्वर आपको तैयार कर रहा है. But you need to serve faithfully. लेकिन आपने विश्वास योग्य रूप से सेवा करना करते करना जारी रखना है. And patiently. और धीरजवान रूप से. Amen. Amen. Are you guys listening? आप सब सुन रहे हैं. Okay, so far. अब तक ठीक है. Okay, the second point was Joshua was called. दूसरा मुद्दा है कि यहोशू को बुलाया गया था. Deuteronomy chapter 34 verse 9. यहोशू का 34वां अध्याय और नवा व्यवस्था विवरण 34वां अध्याय नवा वचन. It says Joshua the son of Nun was full of the spirit of wisdom. और कहते हैं कि नून का पुत्र यहोशू बुद्धिमानी और आत्मा से परिपूर्ण था. For Moses had laid his hands on him. क्योंकि मूसा ने अपना हाथ उसके ऊपर रख दिया था. Then we go to Joshua chapter 1 verse 1 and 2. और फिर यहोशू का हम पहला अध्याय 1 और 2 वचन में जाते हैं. This is after the death of Moses. और ये मूसा के मृत्यु के बाद की बात है. It came to pass that the Lord spoke to Joshua. और ये ऐसा पूरा हुआ कि प्रभु ने यहोशू से बात की. Saying Moses my servant is dead. उसने कहा कि मूसा मेरा सेवक जो है उसकी मृत्यु हो गई है. Now therefore arise. अब इसलिए तू उठ खड़ा हो. Joshua was called. यहोशू को बुलाया गया था. He was called by Moses laying his hands. और उसे बुलाया गया था उसकी बुलावट थी जब मूसा ने उसके जीवन पर हाथ रखा. And if that wasn't enough, the Lord himself spoke to him. और यदि उतना ही काफी नहीं था तो प्रभु स्वयं ने उससे बात की. In order for us to receive our inheritance and run with it faithfully. और हमारी विरासत को पाकर विश्वास रूप से उसके साथ दौड़ने के लिए. We need to know that we are called. हमारे लिए जरूरी है जानना कि हम बुलाए गए हैं. We need to know that we are called. हमें जानना जरूरी कि हमें बुलाया गया है. Called by God. परमेश्वर के द्वारा. And in verse 5, और पांचवें वचन में, he is reassuring Joshua. और फिर से वो यहोशू को पुनर्आश्वासन दे रहा है. As I was with Moses, जैसे मैं जिस तरह से मैं मूसा के साथ था, I will be with you. मैं तेरे साथ भी रहूंगा. As I was in the old, और जैसे मैं पुराने समय में रहा करता था, I will be with you. मैं उसी तरह तेरे साथ में रहूंगा. As I was with the characters in the Bible, और जैसे शास्त्र के महान सेवकों के साथ में रहता था, I am the same God today. वही परमेश्वर मैं आज भी हूँ. He was called. वो बुलाया गया था. If you want to run faithfully, you need to know that each one of us are called. और यदि आपको विश्वास योग्य रूप से दौड़ना है तो आपको जानना है कि हम में से हर एक को बुलाया गया है. You are called as individuals. आपको व्यक्तिगत रूप से बुलाया गया है. John chapter 1 verse 12. योहन्ना का पहला अध्याय 12वां वचन. To all who have believed and accepted him. और उन सब के लिए जिन्होंने विश्वास किया है और उसे स्वीकारा है. He gave the right to become the children of God. उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया है. If you have put your faith in Jesus, you are called. और यदि आपने यीशु मसीह में अपना विश्वास रखा है तो आप बुलाए गए हो. If you are a follower of Jesus, you are called. और आप यदि यीशु मसीह के पीछे चलने वाले व्यक्ति हो तो आप बुलाए गए हो. John chapter 15 says, now because you are called, you are connected to the vine. और योहन्ना का 15वां अध्याय कहता है तुम बुलाए गए हो इसलिए तुम उस दाखलता के साथ में जुड़ गए हो. So abide in the vine. तो दाखलता में बने रहो. So that you will bear fruit. जिससे कि तुम फल ला सको. That is the inheritance. और यही विरासत है. We are called by God and now I can run faithfully because he has called me. और हम परमेश्वर द्वारा बुलाए गए हैं और अब मैं विश्वास योग्य रूप से दौड़ सकता हूं क्योंकि उसने मुझे बुलाया है. We've read this verse many times this camp. और इस कैंप में हमने इन वचनों को कई बार पढ़ा है. Ephesians chapter 2 verse 10. इफिसियों का दूसरा अध्याय 10वां वचन. We are God's masterpiece. हम परमेश्वर के हाथों की कारीगरी है. Created for good work. हम सृजे गए हैं भले कामों के लिए. Turn to your neighbor and tell them you're a work of art. और अपने पड़ोसी के पास कहिए आप परमेश्वर के हाथों की कला की कारीगरी हो. You're looking good today. आप बहुत बढ़िया दिखाई दे रहे हो. अच्छे दिख रहे हो. बोलिए. Tell them some of them have a frown. You need to tell them. और बोलना है उन्हें बोलने की जरूरत है.
And second, we are called as a generation. और दूसरी बात कि हमें बुलाया गया एक पीढ़ी होने के नाते. First Peter chapter 2 verse 9. पहले पत्रस का दूसरा अध्याय नौवां वचन. You are a chosen generation. तुम एक चुना हुआ वंश हो. Every generation is called. हर एक पीढ़ी को बुलाया गया है. So while you are called individually, जबकि आपको व्यक्तिगत रूप से बुलाया गया है, you are also called as a generation. लेकिन आपको एक पीढ़ी होने के नाते भी बुलाया गया है. As a group of people. In living in a certain period of time, we are called. और लोगों का समूह होने के नाते काल के एक समय में जीते हुए आपको बुलाया गया है. You need to know that. आपको इसे जानना जरूरी है. There needs to be an assurance in our hearts. हमारे हृदयों में एक आश्वासन होना चाहिए. That in 2023. कि 2023 में God has called us. कि परमेश्वर ने हमें बुलाया है. God has called us as a generation. परमेश्वर ने एक पीढ़ी होने के नाते हमें बुलाया है. Lot of people are giving up on us young people. और हम इस कई लोग जो है हमारी जो नौजवानों पर से आशा छोड़ खो रहे हैं. They are telling young people are useless now. और वे कहते हैं आज के जो नौजवान है बेकार हैं. Oh, they are lost. और वे खो चुके हैं. But I am here to declare that we are called. और लेकिन मैं यहाँ पर हूँ ये घोषणा करने के लिए तुम बुलाए गए हो. We are called as a generation. तुम एक पीढ़ी होने के नाते बुलाया गया है. As a church we are called. कलीसिया होने के नाते हम बुलाए गए हैं. As a group of people we are called. लोगों का समूह होने के नाते हम बुलाए गए हैं. Come on, can someone say hallelujah in this place? कोई तो हालेलुया कहे. Amen, amen. The third instruction that God gives Joshua. और यहोशू को तीसरा निर्देश जो परमेश्वर देते हैं. And we see this in Joshua chapter 1. और हम इसे देखते हैं यहोशू के पहले अध्याय में. In order for Joshua to carry on the legacy. और जो यहोशू को विरासत लेकर विश्वास रूप से चलने के लिए. इन ऑर्डर फॉर जोशुआ टू कैरी ऑन व्हाट मोसेस हैज हैड लेड. और जो चीजें मूसा ने उसके जीवन में रखी थी उसे आगे ले जाने के लिए. इन ऑर्डर फॉर जोशुआ टू रन फेथफुली. और यहोशू को विश्वास योग्य रूप से दौड़ने के लिए. टू वर्ड्स, दो शब्द. बी स्ट्रॉन्ग, बलवान रहो. एंड करेजियस, और साहसी रहे. टेल योर नेबर, अपने पड़ोसी से कहे, बी स्ट्रॉन्ग, बलवान रहे. And be courageous. और साहसी बना रहे. Come on, put your fist up. Be strong. से बोल कर कहे, बलवान रहे. Be courageous. और साहसी रहे. One more time. Be strong. बलवान रहे. And be courageous. और साहसी रहे. And this phrase, be strong and courageous, given to Joshua, is at least repeated multiple times. और ये जो दो शब्द दिए गए यहोशू के लिए कई बार एक से ज्यादा बढ़कर दो तीन बार बोले गए हैं. Because Moses had just passed away. क्योंकि हाल ही में मूसा की मृत्यु हो चुकी थी. God was telling Joshua. परमेश्वर यहोशू से कह रहा था. I need you to be faithful. मैं चाहता हूँ कि तू विश्वास योग्य बना रहे. But I need you to be strong. लेकिन मैं चाहता हूँ कि तू बलवान भी बना रहे. I need you to be firm. मैं चाहता हूँ कि तू दृढ़ता से खड़ा रहे. Nothing can shake you. जी तुझे कोई भी चीज हिला ना सके. Be strong. बलवान रहे. And be courageous. और साहसी बना रहे. But how can we be strong? लेकिन हम किस तरह से बलवान बने रह सकते हैं? Because God can give us that command, but how can we be strong? क्योंकि परमेश्वर हमें आज्ञा दे सकता है, लेकिन हम कैसे बलवान बने रह सकते हैं? And we see that in Joshua chapter 1 verse 8. और हम इसे देखते हैं यहोशू के पहले अध्याय 8वें वचन में. Don't you love our God? क्या हम अपने परमेश्वर से प्रेम करते हैं? नहीं. He doesn't just command you. वो आपको सिर्फ आज्ञा ही नहीं देता. But he also gives us the instruction. लेकिन हमें उसके लिए निर्देश भी देता है कि कैसे रहना है. All we have to do is to obey. हमें इतना ही करना है कि उसका सिर्फ पालन करना है. So Joshua chapter 1 verse 8. How can Joshua be strong? यहोशू का पहला अध्याय और 8वां वचन. किस तरह से यहोशू बलवान बनकर रह सकता था? This book of the law shall not depart your mouth. और व्यवस्था की जो किताब है तेरे मुख से दूर नहीं हटेगी. But you shall meditate on it day and night. कि रात और दिन तू उस पर मनन करते रहना. One of the first signposts that Pastor shared with us. और सबसे पहला जो चिन्ह जो है निर्देश करने वाला जिसके बारे में पास्टर ने हमसे बांटा. To identify our purpose. हमारे मकसद को, हमारे उद्देश्य को पहचानने के लिए. In another translation, to carry our inheritance. या दूसरे शब्द में कहे तो हमारी विरासत को उठाकर चलने. Is to hold on. और वो है पकड़े रहना. To God's word. परमेश्वर के शब्द को पकड़े रहना. You want to be strong? आप बलवान बने रहना चाहते हो? Yes. You need to hold on. तो आपको पकड़े रहना है. टू गॉड्स वर्ड, परमेश्वर के वचन को पकड़े रहना. देयर इज नो अदर रेमेडी. और इसके अलावा दूसरा कोई इलाज नहीं है. इफ देयर इज वन थिंग आई वांट यू टू रिमेंबर टुडे. और आज एक बात अगर मैं चाहूं कि आप याद रखें, इज टू होल्ड ऑन, कि आप पकड़े रहे. टू गॉड्स वर्ड, परमेश्वर के वचन को. Isaiah chapter 40 verse 8. और यशायाह का 40वां अध्याय और 8वां वचन. आई वांट टू जस्ट स्पेंड सम टाइम इन दिस पार्ट. और इस भाग में कुछ समय बिताना चाहूंगा. हाउ वी कैन होल्ड ऑन टू गॉड्स वर्ड, कि किस तरह से हम परमेश्वर के वचन को पकड़े रह सकते हैं. Isaiah chapter 40 verse 8. और यशायाह का 40वां अध्याय और 8वां वचन. द ग्रास विदर्स,
कहता है कि जो घास है वो सूख जाते हैं, the flower fades, जो फूल है वो भी मुरझा जाते हैं, but the word of God endures forever, लेकिन परमेश्वर का शब्द जो है हर दम बना रहता है, meaning everything in this life will die away, इसका मतलब है कि इस जीवन की सभी जो चीजें वो मर जाएंगी, our bodies are going to go back, एक दिन हमारे शरीर भी मिट्टी में लौट जाएगी, our relationships, maybe you hold on to that dearly, but it'll die away, और हमारे रिश्ते जिन्हें हम बहुत करीब से पकड़े रहते हैं वो भी एक दिन उनकी मृत्यु होगी, our social media will die away, हमारी जो सोशल मीडिया है उसकी भी मृत्यु होगी, because everyone was getting so excited yesterday, क्योंकि कल सभी इतने उत्साहित हो गए थे, almost every team was showing social media, और कल के जो नाटिकाओं में सभी बातों में दिखाई पड़ रहा था YouTube social media, that's great, वो बढ़िया है, I agree, और मैं सहमत हूँ इससे, that you can use it as a tool, हाँ उसे हम औजार के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, but one thing we have to keep supreme, लेकिन एक बात है जिसे हमने ऊंचे उठाकर रखना है, is the word of God, वो है परमेश्वर का वचन, is to hold on to the word of God, परमेश्वर के वचन को पकड़े रहना है, you can trust it, आप उस पर भरोसा रख सकते हो, you can hold on to it, आप उसे पकड़े रह सकते हो, come on, hold your Bibles and put it in your heart and say, I love my Bible, और अपने शास्त्र को उठा अपने हृदय के करीब रखे कि मेरे शास्त्र से मुझे बहुत प्रेम है, I love the word of God, मुझे परमेश्वर के वचन से बहुत प्रेम है, amen, hold on, उसे पकड़े रहे, hold on to this word, और इस वचन को पकड़े रहे, have you ever seen a baby that has their favorite toy, क्या आपने एक नन्हे बच्चे को देखा है जिसकी मनपसंदीदा कोई खिलौना होता है? When they have their favorite toy, they just hold on to it so dearly. और जब उनका ये मनपसंदीदा जो खिलौना होता है उसे बड़े करीब से जी जान से पकड़ के रहते हैं. You can't take that toy away. आप उस खिलौने को उनसे कभी अलग नहीं कर सकते हो. And just like a child. और उस बच्चे के समान ही. Holding on to that. उसे पकड़े रहना. It's a picture that I get to hold on to God's word. और उसी से मुझे ये तस्वीर दिखाई देती है कि मैंने परमेश्वर के वचन को पकड़े रहना है. Sometimes we all need to be children. और कभी-कभी ऐसा होना चाहिए कि हम सबने बच्चों की तरह होना है. Jesus says, "Until you change and become like a child." और यीशु मसीह कहते हैं कि जब तक कि तू बदल कर एक नन्हे बच्चे की जैसा ना हो जाए. So just as a child embraces their parents or embraces that favorite toy. और जिस तरह से वो बच्चा अपने माता-पिता को गले लगाता है या उस खिलौने को पकड़ के रखता है. We need to hold on to God's word. हमने भी परमेश्वर के वचन को पकड़े It'll place your feet firm. वो उससे मदद मिलेगी जिससे कि आपको मजबूती से आपके पैर टिकाने के लिए मदद देगा. How is your faith today? आज आपका विश्वास कैसा है? Is it shaky? क्या वो डगमगाने वाला है? If it is, यदि है, hold on to God's word. तो परमेश्वर के वचन को पकड़े रहो. Amen. Amen. Because Joshua had to be strong. क्योंकि यहोशू को भी बलवान बनना रहना था. We just read one of the greatest prophets just passed away. और हमने हाल में पढ़ा कि जो एक महान जो नबी है उसकी मृत्यु हुई है. And God is telling Joshua, I need you to be strong. और परमेश्वर यहोशू से कह रहा है कि मैं चाहता हूँ कि तू बलवान बना रहे. By holding on to my law. और मेरी व्यवस्थाओं को पकड़े रहने के द्वारा. And keep it in your mouth. और उसे तेरे मुख में बनाए रख. John chapter 6 verse 63. योना का छठवां अध्याय और 63वां वचन. द वर्ड्स दैट आई स्पीक, दिस इज जीसस. और यीशु कह रहे हैं कि जो शब्द मैं तुम्हें बोल रहा हूं, दिस इज इन रेड लेटर्स, वो आपके पवित्र शास्त्र में लाल रंग में होगा. द वर्ड्स दैट आई स्पीक, जो शब्द मैं तुमसे बोल रहा हूं, आर स्पिरिट एंड दे आर लाइफ, और वे आत्मा है और वे जीवन है. द वर्ड स्पिरिट इन जॉन चैप्टर 6, और योना के छठवें अध्याय में जो शब्द है आत्मा, कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्यूमा, और ये यूनानी शब्द से आता है, वो है प्यूमा, विच मीन्स ब्रेथ और विंड, और उसका अर्थ है ये हवा या श्वास का हवा. द वर्ड ऑफ गॉड इज द ब्रेथ ऑफ गॉड, परमेश्वर का वचन परमेश्वर का श्वास है. यू नो व्हेन आई वाज यंग, और जब मैं नौजवान हुआ करता था, अलॉन्ग विद माई ब्रदर्स, मेरे भाइयों के साथ में, वी शुड गो टू द स्विमिंग पूल, और हम जो है स्विमिंग पूल में जाते थे वेरी ऑफन व्हेन वी वर यंग, और अक्सर हम जाया करते थे जब हम नौजवान थे. एंड देयर वाज अ गेम वी यूज्ड टू प्ले, और वहां पर हम खेल खेला करते थे. हाउ मेनी ऑफ अस कैन स्टे द लॉन्गेस्ट इन द वॉटर, और हम में से कौन सबसे ज्यादा लंबे समय तक पानी के नीचे सांस रोक कर रह सकता है? 10 seconds, 20 seconds, 30 seconds, बट आफ्टर दैट यू आर जस्ट gasping for air. 10 सेकंड के लिए, 20 सेकंड के लिए, 30 सेकंड, ये उसके बाद सांस फूलने लगती है, सांस लेने के लिए बेचैनी होती है. I think I won that game a lot. और मुझे लगता है कि मैंने कई बार मैंने भाइयों के बीच में जीत हासिल की. Can ask my brother later. बाद में मेरे भाई से आप पूछ सकते हो. But we are designed to breathe.
लेकिन हमें रचाया गया है सांस लेने के लिए. And God's word is the breath. और परमेश्वर का शब्द हमारे सांस है. Paul writes, all of scripture is God breathed. और पौलुस कहता है कि वचनों में सभी वचन जो है वो परमेश्वर के सांस के द्वारा सांस उसमें समाई हुई है. And sometimes in our spirit we can be suffocated. और कभी कभी हमारे आत्मा में हमें घुटन सी महसूस हो सकती है. We need the word of God. हमें परमेश्वर के वचन की जरूरत है. It is the breath of God. वो परमेश्वर का सांस है. It is the life of God. परमेश्वर का जीवन है उसमें. Amen. Amen. So hold on to God's word. तो परमेश्वर के वचन को पकड़े रहें. Matthew chapter 4 verse 4. मत्ती का चौथा अध्याय और चौथा वचन. Jesus said. यीशु ने कहा. When Jesus was tempted, he said, "Man shall not live by bread alone, but on every word that comes from the mouth of God." और जब यीशु की परीक्षा हुई, तब यीशु ने कहा कि मानव सिर्फ रोटी पर ही नहीं जीवित रहेगा, परंतु हर एक शब्द जो परमेश्वर के मुख से आता है, उसके आधार पर जिएगा. Very interesting. बड़ी दिलचस्प बात. When Jesus was in his weakness, जब यीशु मसीह अपने बहुत ही कमजोर अवस्था में था, in the physical, शारीरिक रूप में, when he was tempted by the devil, और शैतान ने जब उसे उसकी परीक्षा ली, he didn't call the worship team. तब यीशु ने आराधना की टीम को नहीं बुलाया. Which is good, by the way. जो कि अच्छा है. We will call the keyboardist later. बाद में आराधना वकील. But what did he do? लेकिन यीशु ने क्या किया? He spoke the word of God. उसने परमेश्वर का शब्द बोला. This is Jesus. ये यीशु है. He spoke the word of God. उसने परमेश्वर का शब्द बोला. And he himself is the word. और वो स्वयं परमेश्वर का शब्द है. Speaking to each one of us. जो हम में से हर एक से बात कर रहा है. So that we can put our feet firmly planted and be strong. जिससे कि हम हमारे पैरों को दृढ़ता से पक्का रख सके जमीन. Amen. Amen. And the second instruction, be strong and courageous. और दूसरा निर्देश दिया गया कि बलवान रहे और साहसी बना रहे. You know, it is one thing to be strong. और एक बात है कि बलवान बनना. Yeah, your feet are firmly planted. जहाँ पर आपके पैर दृढ़ता से टिके हुए हैं. But for Joshua to run his race, परंतु यहोशू के लिए अपनी दौड़ दौड़ने के लिए, he had to be courageous. उसे साहसी होना बहुत जरूरी था. The meaning of the word courageous, और ये साहसी होने का अर्थ है, there are a lot of meanings, बहुत से अलग अलग अर्थ हैं. But one of the meanings, लेकिन उनमें से एक अर्थ ये है, is to be bold. कि वो निडर रहना. Because Joshua had a lot of battles to fight. क्योंकि यहोशू के सामने बहुत सारी लड़ाइयां थी जिसे उसे लड़ना था. So in this camp, तो इस कैंप में, as you are listening to God's word, जैसे आप परमेश्वर के वचन को सुन रहे हो, you are strengthening your faith, अपने विश्वास को मजबूत कर रहे हो, we are strengthened as a group of people, और लोगों का समूह होने के नाते मजबूत हो रहे हैं, but we need to be courageous, लेकिन हमने साहसी होना है, because we have to step out, क्योंकि हमने आगे कदम बढ़ाना है, we have to take a step of faith, और विश्वास का कदम बढ़ाना है, to be bold. निडर होने के लिए. And slowly, और धीरे धीरे. And slowly, और धीरे धीरे. Fight our battles. अपनी लड़ाइयों को लड़ना है. Because Joshua had a lot of battles to fight. क्योंकि यहोशू के सामने बहुत सारी लड़ाइयां थी जिसे उसे लड़ना था. But what I love about Joshua, लेकिन यहोशू के बारे में मुझे कौन सी बात पसंद है? Whenever he fought his battles, जब भी वो अपनी लड़ाई लड़ता, he had God at his heart. और उसके पास उसका परमेश्वर उसके हृदय में उसने रखा. He had God as his focus point. और जिस बात पर उसका ध्यान पूरी तरह था, केंद्रित था, वो परमेश्वर था. We see this in the first battle of Joshua. और हम यहोशू की पहली लड़ाई में इसे देखते हैं. As they had to cross the river Jordan. और जैसे उन्हें यरदन नदी को पार करना था. Imagine, this is your first battle. कल्पना करें कि आपकी पहली लड़ाई है. What would he do? क्या करता वो? He said, I need the Ark of the Covenant in front of us. उसने कहा कि मैं चाहता हूँ कि जो वाचा का संदूक हमारे सामने आए. The Ark of the Covenant was God's presence. और जो वाचा का संदूक परमेश्वर की उपस्थिति को दर्शाने वाला था. I am not going alone. मैं अकेले नहीं जा रहा हूँ. I want God to go before us. मैं चाहता हूँ कि परमेश्वर हमारे आगे जाए. But he had to be courageous. लेकिन उसे साहसी होना था. Because the Bible says. क्योंकि शास्त्र कहता है. When the men put their feet in the water. जब उन पुरुषों ने पानी में अपना पैर डाला. Is when God moved. कि तब परमेश्वर ने भी कार्य किया. So it is one thing for us to be strong. तो एक बात है कि हमने बलवान होना है. But then we have to be courageous. लेकिन फिर हमने साहसी होना भी है. To get our feet wet. अपने पैरों को भिगाने के लिए. And put God in front of us. और गीला करके परमेश्वर को सामने रखने हैं. And then the waters receded. और तब पानी जो है दो भागों में बटने लगे. Amen. Amen. And we see this in all of the battles. और हम देखते हैं इन सभी लड़ाइयों में. In Joshua chapter 6, very famous story. और यहोशू के छठवें अध्याय में बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है. Where God had already instructed Joshua that he will bring the walls of Jericho down. जहाँ पर परमेश्वर ने यहोशू से पहले ही बता दिया था कि वो यरीहो की जो दीवारें है उसे नीचे गिरा देने वाला है. But he said you need to circle around it. लेकिन उसने उसे कहा कि उसे चारों ओर घूमना चक्कर लगाना है. Can you imagine? आप कल्पना कर सकते हो? The people of Israel just circling around this wall. और इसराइल के जो लोग हैं ये इस दीवार के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं. Lord, give me one sign, Lord.
और प्रभु मुझे एक चिन्ह दे दे, at least after one round remove one row. और प्रभु जो एक चक्कर के बाद में प्रभु एक तो प्रभु जो रेखा उसे दूर कर दे प्रभु. But Joshua heard from God clearly. लेकिन यहोशू ने परमेश्वर से साफ रीति से सुना. And on the seventh day they had to raise up a praise. और सातवें दिन उन्हें स्तुति की आवाज उठानी थी जोरों से. And we see how Joshua faithfully led a lot of battles. और हम देखते हैं कि यहोशू ने किस तरह से विश्वासु रूप से बहुत सारी लड़ाइयों में उसने अगुवाई की. There are some battles which are going to be hard. और कुछ ऐसे लड़ाइयां होंगे जो कठिन होंगे. Are you in a battle right now? क्या इस वक्त आप किसी लड़ाई में से गुजर रहे हो? You feel like you are losing yourself. और आपको ऐसा लग रहा है कि अभी हार रहे हो. Joshua had a lot of battles. यहोशू के सामने बहुत सारी लड़ाइयां थी. In the same way we are going to have a lot of battles. और उसी तरह से हमारे जीवन में बहुत सारी लड़ाइयां होंगी. Individually as people. व्यक्तिगत होने के नाते और लोगों का समूह होने के नाते. And as a group of people. और लोगों का समूह होने के नाते. We are going to have a lot of battles. हमें बड़ी लड़ाइयों का सामना करना पड़ेगा. But Joshua always kept God first. लेकिन यहोशू ने हरदम परमेश्वर को अपने सामने रखा. He kept the word of God first. उसने परमेश्वर के वचन को प्रथम स्थान दिया. You see, there was this battle called Ai, where they had to conquer the land called Ai. और हम देखते हैं एक लड़ाई थी Ai जो थी, Ai के जो साम्राज्य पर उन्होंने विजय होना था. Joshua strong. और यहोशू बलवान है. Joshua was courageous. और यहोशू साहसी है. But that the first attempt they failed. लेकिन पहले प्रयास में वो नाकाम रहे. Because there was a sin in the camp of Israel. क्योंकि इसराइल की छावनी में पाप था. But what I love about Joshua is he turned back to God. और मुझे ये बात बहुत पसंद है यहोशू की, वो तुरंत परमेश्वर की ओर मुड़ा. He confessed. उसने कबूल की. He made the Israelites confess. और उसने इसराइलियों को कबूल करने के लिए कहा. That is how serious Joshua took God. और यहोशू इस तरह से परमेश्वर को गंभीरता से लेता. He would not allow even a single sin in the camp of Israel. और इसराइल की छावनी में वो कभी पाप को रहने नहीं देता. Because sin will hold you back. क्योंकि पाप आपको पीछे पकड़े रखेगा. It's not our mind. It's not our mind. ये हमारे दिमाग नहीं है. But it is sin. परंतु ये पाप है. It is some lifestyles. ये एक जीवन जीने का कोई तरीका है हमारा. It is the way we are living. जिस तरह से हम जी रहे हैं. That is holding us back. वो हमें पकड़े रख रहा है. If you want to fight your battles. यदि आपको अपनी लड़ाइयां लड़नी है. You got to be strong. आपको बलवान होना जरूरी है. And you got to be courageous. और आपको साहसी होना जरूरी है. Be strong in God's word. परमेश्वर के वचन में बलवान रहो. Be courageous to step out. और कदम बढ़ाने के लिए साहसी रहो. Knowing that God is with you. जानते हुए कि परमेश्वर तुम्हारे साथ है. Amen. Amen. And this is what Jesus said the church will be. और इसी ऐसा यीशु ने कहा कि कलीसिया ऐसे होगी. How would Jesus introduce the church? यीशु ने कलीसिया का परिचय कैसा दिया? Matthew chapter 16 verse 18. मत्ती का 16वां अध्याय 18वां वचन. And I tell you that you are Peter. और कहता कि मैं तुझसे कहता हूँ तू पतरस है. And on this rock. और इस चट्टान पर. I will build my church. मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा. This is the church of Jesus Christ. यीशु मसीह की कलीसिया है. It is strong. ये बलवान है. It is on the rock. वो चट्टान पर स्थित है. And what will the church do? और कलीसिया क्या करेगी? The gates of Hades will not overcome it. और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल नहीं होंगे. Because the church is on this rock. क्योंकि कलीसिया चट्टान पर है. Because the church is on this word. और क्योंकि कलीसिया इस शब्द पर टिकी है. I will build my church. इसलिए मैं मेरी कलीसिया बनाऊंगा. One of the most beautiful pictures of the church in the New Testament. और नए नियम में एक सुंदर तस्वीर जो कलीसिया के बारे में यह है. Peter writes that we are living stones. और पत्रस लिखता है कि हम जीवित पत्थर हैं. Each one of us. हम में से हर एक. God is laying and putting together. परमेश्वर उसे रचा रहा है और इकट्ठा रख रहा है. And spiritually, when you see the church. और आत्मिक रूप से जब हम कलीसिया को देखते हैं. It's this beautiful building. ये बहुत ही सुंदर सा इमारत है. And Jesus is the cornerstone of that building. और यीशु मसीह उस इमारत का कोने का पत्थर है. And it is on that rock the church is being built. और उस चट्टान पर कलीसिया का निर्माण हो रहा है. So as a church we are strong. तो कलीसिया होने के नाते हम बलवान मजबूत हैं. Because we are on this rock. क्योंकि हम उस चट्टान पर हैं. And as a church we will overcome every enemy. और कलीसिया होने के नाते हम हर एक शत्रु पर विजय होंगे. Because it is Jesus that said we will go after the enemy. और क्योंकि यीशु ने कहा कि हम शत्रु के पीछे का पीछा करेंगे. Amen. Amen. Next. अगला. Is we need to be faithful to the very end. और हमने अंत तक विश्वास योग्य बने रहना है. I have time till 10:30, right? Okay. So we need to be faithful to the very end. और हमने अंत तक विश्वास योग्य बने रहना है. Joshua was a reliable and faithful warrior to God. और परमेश्वर के लिए यहोशू एक भरोसेमंद और विश्वास योग्य योद्धा था. He had to be strong.
और उसे बलवान बने रहना था. He had to be courageous. उसे साहसी बने रहना था. And he did that his entire life. और उसने ऐसा अपने जीवन भर में करता रहा. In Joshua chapter 23, योशु का 23वां अध्याय में, in the first four verses, पहले शुरुआती चार वचनों में, Joshua says, I am very old now. और योशु कहता है कि अब मैं काफी बूढ़ा हो चुका हूँ. I am very old. और मैं बूढ़ा हो गया हूँ. But he is telling all the elders. और अपने इतर जो है धर्मवृत्त से कह रहा है, you yourselves have seen everything the Lord has done. कि तुम स्वयं ने उन सभी बातों को देखा है जो प्रभु ने हमारे बीच किया है. Wow, I want to be like that. वो मैं ऐसे बनना चाहता हूँ. When I go old. जब मैं उम्र में बड़ा बूढ़ा हो जाऊँगा. When I'm an old man. जब मैं बूढ़ा व्यक्ति हो जाऊँगा. When I have people around me. और जब मेरे इर्द-गिर्द मेरे लोग हो गए. The Lord has done everything. और मैं कह सकूँगा कि प्रभु ने वो सब कुछ कर दिया. That I can stand and testify. जिससे कि मैं खड़े रहकर उसकी गवाही दे सकूं. Of all that God has done for me. उन सभी बातों के बारे में जो परमेश्वर ने मेरे लिए किया है. Because God has counted me faithful. यदि परमेश्वर ने मुझे विश्वासु करके गिनती की है. How many of us can grow old like that and say that very statement? और हम में से कितने लोग हैं जो उम्र में बूढ़े होकर ये वाक्य कह पाएंगे. Paul writes, I have won the race. और पौलुस कहता लिखता है कि मैंने अपने अपना दौड़ दौड़ा है. Amen. Can we go to our old age and so faithfully to the end. और क्या हम अपने बूढ़े उम्र तक पहुंच सकते हैं विश्वास रूप से सेवा करते रहने के बाद. Lot of us young people are giving up on the church. और बहुत से नौजवान जो है कलीसिया पर हार मान रहे हैं, निकल रहे हैं. We are getting too comfortable. और हम अपनी चीजों में काफी आरामदायक महसूस कर रहे हैं. Especially after COVID. और कोविड के बाद खास करके. I'll be comfortable in my home. मैं अपने घर में ही आरामदायक आराम से रहूंगा. But we have to be courageous. लेकिन हमें साहसी होना है. To be together. कि हम आकर इकट्ठा होना है. Individually we are going after our purposes. और व्यक्तिगत रूप से हम अपने मकसद और उद्देश्यों का पीछा कर रहे हैं. And as a generation we are going after our purposes. और एक पीढ़ी होने के नाते हम हमारे उद्देश्यों के पीछे जा रहे हैं. Because that is the will of God. क्योंकि यही परमेश्वर की इच्छा है. He has chosen every generation. उसने हर एक पीढ़ी को चुना है. He has chosen every time period. उसने एक कालावधि के हर समय को चुना है. Are you a reliable and faithful warrior of God? क्या आप परमेश्वर के भरोसेमंद और विश्वास योग्य योद्धा हो? Can we live all our days faithfully? क्या हम हमारे जीवन के सारे दिन विश्वास योग्य रूप से जी सकेंगे? It's not about being famous. ये मशहूर होने के बारे में नहीं है. It's not about using all our social media and tools. और ये हमारे सोशल मीडिया के अलग अलग उपकरणों का इस्तेमाल करने के बारे में नहीं. But in the sight of God. लेकिन परमेश्वर के नजर में. Can you stand and testify? क्या आप खड़े कर गवाही दे सकोगे. इन योर ओल्ड एज. कि आपके बुढ़ापे में. That God has done everything. कि परमेश्वर ने वह सब कुछ कर दिया. I am a faithful servant. मैं विश्वास योग्य सेवक बना रहा. Amen. Amen. We need some faithful people who can steward the move of God. और हमारे बीच में ऐसे विश्वास योग्य लोग चाहिए जो परमेश्वर का जो कार्य होने जाला उस बहाव को लेकर चलने के लिए. That's all we need. हमें इतना ही जरूरत है. Faithful people. विश्वास योग्य लोग. If God can entrust you, यदि परमेश्वर आपके हाथ में सौंप सकता है चीजों को, and you can run with it, और आप उसे लेकर दौड़ सकोगे, you can run with your purpose, तब आप अपने उद्देश्यों के साथ जो दौड़ोगे, knowing that God is for you, जानते हुए कि परमेश्वर आपकी ओर से है, knowing that you are strong, जानते हुए कि आप परमेश्वर बलवान हो, and then you step out with courage, और फिर साहसी होकर आप कदम बढ़ाते हो, you can defeat every battle, तब आप हर एक लड़ाई पर जीत हासिल कर सकोगे, and you can come to your old age, और आप अपने बुढ़ापे के पास आ सकोगे, and stand and testify, और खड़े रहकर गवाही दोगे. Oh, I am very old. Oh, अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ. But I know what God has done in my life. लेकिन मैं जानता हूँ कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में क्या किया. Amen. है. Amen. So don't give up. तो हार न माने. Do not give up. हार न मानो. In 2023, don't give up. 2023 में हार न मानो. The church cannot give up. कलीसिया हार नहीं मान सकती. Because God is moving. क्योंकि परमेश्वर कार्य कर रहा Revival है. Revival is coming. आत्म जागृति आ रही There's है. There's a move of God taking place. परमेश्वर का कार्य आत्मा का हलचल हो रहा है. So don't give up. तो हार न मानो. Turn to your neighbor and tell them, don't give up. अपने पड़ोसी से कहो हार न मानो. Don't give up on God. परमेश्वर पर हार न मानो. Amen. Can I get a hallelujah? कोई हालेलुया कहे. Amen. Amen. But there's one thing. लेकिन एक बात है. As I end. जैसे मैं अंत कर रहा हूँ. That Joshua failed to do. और जिसे करने में यहोशू नाकाम रहा. Is just as Moses
passed on the inheritance aur jise Musa ne virasat ko uske haathon mein saupa to Joshua Yoshua ke haath mein and Joshua was a faithful man of God aur Yoshua jo parmeshwar ka vishwas yogya sevak tha and as we saw in the baton race aur jaise humne is udharan mein dekha baton ko lekar daudne wali daud as one person is passing it to the other jab ek vyakti dusre ke haath mein saup raha hai Joshua got the inheritance Yoshua ke haath mein virasat mil gayi but then he didn't know who to pass it on lekin usse fir samajh nahi aa raha tha kiske haath mein saupo ise and one of the saddest verses in the old testament aur purane niyam mein ek bahut hi dukhi karne wala vachan hai is in judges chapter 2 nyayon ka dusra adhyay mein pastor roshan had covered it a bit aur pastor roshan ne isse kuch had tak isme hame le gaye the it says but Joshua the son of Nun he died and was 110 years old वे कहते हैं कि यहोशू नून का पुत्र जो उसकी मृत्यु हो गई और 110 वर्ष का था Verse 10 वचन 10 When all that generation had been gathered to their fathers और जब सब वो सारी पीढ़ी अपने जो है पूर्वजों के साथ वो जुड़ गई another generation arose एक और पीढ़ी उठ खड़ी हुई after them उनके बाद who did not know the Lord जो प्रभु को नहीं जानते थे wow wow that is sad ये बहुत ही दुखदाई बात है वी कैन नॉट लेट दैट हैपन इन 2023 हम 2023 में ऐसी बात को होने नहीं देंगे देयर इज अ जनरेशन राइजिंग एक पीढ़ी उठ खड़ी हो रही है एंड वी विल सर्व फेथफुली और हम विश्वास योग्य रूप से सेवा करेंगे ईच वन ऑफ अस विल सर्व फेथफुली हम से हर एक विश्वास योग्य रूप से सेवा करेंगे बट वी हैव अ रिस्पांसिबिलिटी टू पास इट ऑन लेकिन हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी है कि हम उसे लेकर दूसरों के हाथों में सौंपे आमेन आमेन यू नो वन ऑब्जर्वेशन दैट आई सी और एक बात मुझे दिखाई पड़ती है एंड दिस इज माय पर्सनल ऑब्जर्वेशन और मेरे व्यक्ति रूप से मुझे दिखाई पड़ता है। Is that when Joshua was living? कि जब यहोशू जी रहा था, he was hanging out with only elders. वो सिर्फ जो धर्मवृद्ध है, वो उनके बीच में ही हुआ, उनके बीच में रहता। Only elders, the judges and the kings and you know. और न्याय है, राजा है, जो धर्मवृद्ध है, उनके बीच में ही हुआ करता था। There's no account of a young person there. और वहां पर नहीं दिखाई पड़ता कि वो किसी नौजवान के साथ में समय बिता रहा है। It is our responsibility to pass on the inheritance. और ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उस विरासत को दूसरों के हाथ में सौंपे। So I want to end with this. मैं ये कहते हुए अंत करना चाहता हूँ। To all the pastors in the room. इस कमरे में सभी पासवानों से। We have to encourage our young people. हमने हमारे नौजवानों को प्रोत्साहन देना है। I know it's difficult. मैं जानता हूँ कठिन है। Young people are little hard. और नौजवान जो थोड़े But we have to encourage them. लेकिन हमने उन्हें प्रोत्साहित करना है. All the local pastors and all the pastors in the room. और सभी जो स्थानीय पासवान और जिस कमरे में पासवान हैं. All the leaders. सभी अगुए. We have to believe in our young people. हमने हमारे नौजवानों में विश्वास रखना है. It's sometimes hard. और कभी भी मुश्किल होता है But we have to hope for them. लेकिन हमने उनके लिए आशा रखना है. We have to believe in them. उनमें विश्वास रखना है. So that they can pass on what we have taught. जिसे कि जो बातें हमने उन्हें सिखाई है वे दूसरों को के पास जाकर सौंप सके So it's very interesting observation that I just read. और ये बड़ी दिलचस्प रूप से ये बात मुझे दिखाई दी और मैंने पढ़ा That in his old age, he only had elders around him. और उसकी जो उस उम्र में जो बूढ़ा था वो उसके इर्द गिर्द जो थे सभी धर्मवृत्त थे और बुजुर्ग थे Moses had a Joshua where he could lay his hands on. मूसा के पास तो एक यहोशू था जिसके ऊपर वो हाथ रख पाया But now Joshua only had elders. लेकिन अब यहोशू के इर्द गिर्द तो सभी धर्मवृत्त बुजुर्ग थे And so those elders serve God. तो वे जो धर्मवृत्त थे उन्होंने परमेश्वर की सेवा की Because they were listening to him. क्योंकि वो परमेश्वर से सुन रहे थे But then after that a generation came living in sin. लेकिन उसके बाद में एक ऐसी पीढ़ी आई जो पाप में जीवन बिता रही थी And because of that one action, और एक उस कार्य की वजह से we see so many generations after that living in sin हम देखते हैं कि कितनी सारी पीढ़ियां आगे पाप में जीवन जी रही And God had to raise up some judges to deliver his people और परमेश्वर को फिर कुछ न्यायियों को उभारना पड़ा उनके उस अपने लोगों को छुड़ाने के लिए Can I have someone on the keyboard please कृपया कोई आए कीबोर्ड बजाएं So to all the pastors in the room तो सभी जो पासवान इस कमरे में all the leaders to all the elders सभी अगुए सभी धर्मवृद्ध से कहूं we got to encourage our young people हमने हमारे नौजवानों को प्रोत्साहित करना है now to all the young people अभी नौजवानों से कहूं we have to faithfully serve हमने विश्वास रूप से सेवा करना है we have to faithfully serve our elders हमने विश्वास योग्य रूप से हमारे धर्मवृद्धों की सेवा करनी है we have to faithfully serve our pastors हमने पासवानों की सेवा करनी है you have to believe in them हमने उस उनमें विश्वास रखना है come on can I see some young people who will be faithful in this generation नौजवानों को देख सकता हूँ जो इस पीढ़ी में विश्वास योग्य yeah. जीवन जिए गए गॉड कैन काउंट मी फेथफुल कि परमेश्वर मुझे देखकर कह सकता है इस पे बहुत विश्वास किया जा सकता है सो बिलीव तो विश्वास करें सो वी सी इन द लाइफ ऑफ जोशुआ तो हम देखते हैं यहोशू के जीवन में
to carry the inheritance. कि वो विरासत को उठाए चलने के लिए. First he served faithfully and patiently. सबसे पहले उसने विश्वास योग्य रूप से और धीरजवान रूप से सेवा की. Then he was called. और फिर उसे बुलाया गया. He was called by God. वो परमेश्वर द्वारा बुलाया गया. He was called by God. वो परमेश्वर द्वारा उसे बुलाया गया. He had to be strong. उसे बलवान होना था. He had to be strong in God's word. उसे परमेश्वर के वचन में बलवान होना था. So each one of us need to be strong. और हम में से हर एक को वचन में बलवान होना है. But he also had to be courageous. उसे साहसी भी बनना था. Because after this we have to step out. क्योंकि इसके बाद में हमें कदम आगे बढ़ाना है बाहर. And conquer all our battles. और हमारे सब लड़ाइयों पर विजयी होना है. As individuals. और व्यक्तिगत रूप से. And as a church. और कलीसिया होने के नाते. But Jesus is on our side. लेकिन यीशु हमारी ओर से है. He is building his church. वो अपनी कलीसिया बना. If you have given up, Jesus has not given up on his church. यदि आप हार मान गए हो कलीसिया को देखकर, यीशु अपने कलीसिया को लेकर हार नहीं माना है. Jesus is building his church. यीशु अपनी कलीसिया बना रहा है. That is my God. और वो मेरा परमेश्वर है. He is building his church. वो अपनी कलीसिया बना रहा है. Amen. Amen. Can we rise up to our feet? क्यों ना हम सब खड़े हो जाएं? Let's just take some time to pray. कुछ समय ले प्रार्थना करने के लिए. We're just going to take 2-3 minutes. अब दो या तीन मिनट लेंगे सिर्फ. And if you want to carry the inheritance, can I just ask you to lift your hand? यदि आप चाहते हैं कि आप उस विरासत को लेकर चलना चाहते हैं सौंपने के लिए अपना हाथ ऊपर करें. I want you to cry out to God. मैं चाहता हूं कि आप परमेश्वर के पास पुकारें. Just reflect on what we shared. जो बातें हमने आपके साथ बांटी उस पर गौर करें. Lord, please find me faithful, Lord Jesus. ओ परमेश्वर के तेरी नजर में मैं विश्वास योग्य पाया जाऊं. I want to carry the inheritance, Lord, on my life. प्रभु मेरे जीवन पर जो विरासत को लेकर उठाकर चलना चाहता हूं. I want to carry the inheritance, Lord, that you have laid hold on me. और परमेश्वर मैं उस विरासत को उठाकर चलना चाहता हूं जिसके लिए तूने मुझे पकड़ लिया है. So spirit of the living God. तो जीवित परमेश्वर की आत्मा. Move across this room. इस कमरे में आकर बह. Move across every hand, Lord, that is raised right now. हाथ जो उठाया गया है प्रभु उन सब पर आकर बहने लग. Spirit of the living God, I ask you to place your grace and your gift upon them. और जीवित परमेश्वर की आत्मा में प्रार्थना करता हूँ कि तेरा अनुग्रह और तेरा वरदान तो उनके ऊपर रख. That you would strengthen us, Lord. कि प्रभु तू हमें बलवान बनाएगा. You will give us the boldness, Lord. कि प्रभु तू हमें निडरता देगा. Individually. व्यक्तिगत रूप से. And as a church. और कलीसिया होने के नाते. Just very quickly, if you are comfortable, can you hold the neighbor's hand? और यदि आप We're going to pray as a generation. और आपने पड़ोसी का हाथ पकड़े हम पीढ़ी होने के नाते Hold your neighbor's hand high. अपने पड़ोसी का हाथ ऊंचा उठाकर पकड़े. This is the church. ये कलीसिया है. This is the generation. ये वो पीढ़ी है. So Lord, I pray. तो मैं प्रार्थना करता हूँ Lord that you will bless our generation, Lord. प्रभु हमारी पीढ़ी को तो आशीर्वादित कर. Lord that we will stay strong, Lord Jesus. कि प्रभु हम बलवान बने रहेंगे. Oh Lord that we will not look to the left or to the right. कि प्रभु हम दाहिनी ओर या बाईं ओर नहीं देखेंगे. Oh Lord that we will fix our eyes on you, Lord Jesus. प्रभु हमारी नजरों को तुझ पर लगाए रखेंगे. So Lord, as a church. कि प्रभु कलीसिया होने के नाते. So Lord, as a generation. तो एक पीढ़ी होने के नाते. We trust in you. प्रभु हम तुझ में भरोसा रखते हैं. For you are our cornerstone. क्योंकि तू हमारे कोने का पत्थर है. You have placed us, Lord. तूने हमें यहाँ पर स्थित किया है. You have called us, Lord. तूने हमें बुलाया है प्रभु. You have called us together, Lord Jesus. तूने मिलकर हमें बुलाया है प्रभु. So Lord, in the mighty name of Jesus. तो प्रभु यीशु मसीह के शक्तिशाली नाम में. I pray that you will count us faithful, Lord Jesus. मैं प्रार्थना करता हूँ कि तू हमें विश्वास योग्य करके हमारी गिनती कर. You will entrust us, Lord, to carry your commands. और प्रभु तेरे आज्ञाओं को उठाए चलने के लिए हमें सौंपेगा प्रभु. We thank you, Lord Jesus. हम धन्यवाद देते तुझे प्रभु. In Jesus' mighty name. यीशु के शक्तिशाली नाम में. Amen. Amen.